का मकसद यही है कि ये डिपार्टमेंट चाहता है वो डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल लाने में बुलाया है। इसमें सबसे अहम जो एजेंडा है इंडस्ट्री को यहाँ के बाकी डिपार्टमेंट को सरकारी डिपार्टमेंट को यहाँ के संदारों को यहाँ के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को वो वाजिब अदा होने चाहे और उसमें उसमें अदा होंगे हम तब कामयाब होंगे जब डिपार्टमेंट हमारा इस्तेदा है यहाँ के तमाम सारे तो हमें उम्मीद है कि वो उरूज होगा ताकि ये कॉरपोरेशन खाली और पूरे और गवर्नमेंट के जो इकदाम है जो यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका इतलाक हो जाए और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट को भी मुनाफा बख्श बनाने पे यही हमारा मकसद है। तो इसलिए हमें अपने प्रोग्राम्स तैयार करते हैं मुलाजमों को किस तरीके से हमें डिस्कनेक्शन करना है आया है और जब जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार बार आपने हमारे लिए हमारी आवाज़ को अरबाबी इक्तदार तक पहुँचाने में कलीदी रोल इख्तियार किया है। चूँकि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जिसकी सदारत हमारे मोहतरम मुश्ताक अहमद नजार कर रहे हैं, आज हमने जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जिसमें मेन एजेंडा हमारा यही है। चूँकि इस वक्त सबसे चैलेंजेबल जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि बिजली फीस रेवेन्यू जिसका मसला है। चूँकि आप सब समझते हैं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में बाइफ्रिकेट हुआ है, तब से लेकर आज तक यहाँ के रूल्स भी चेंज हुए, यहाँ का जो काम करने का ढंग है वो भी बदल चुका है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन आपकी माध्यम से यहाँ के होटलियर्स, यहाँ के कमर्शियल जो भी यूनिट्स हैं, यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, सार्फिन हैं, हमारे मोअज्ज़ज़ मोहतरम उनसे इस्तेदा करती है कि आज चूंकि मार्च चल रहा है, फैग एंड पे हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो हम यही तवक्का रखते हैं कि जो बिजली फीस बकाया है उसका जल्द अज जल्द वसूलियाबी मुमकिन हो। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से तमाम मुलाजमून को TDL से लेकर हमारे इंजीनियर फर्टिनिटी तक जितने भी मुलाजमीन हजरात हैं कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनको भी मैं इस्तेदा करता हूँ बाइसेट जनरल सेक्रेटरी कि वो फिलहाल इस महीने में तमाम मसरूफियात को एक तरफ छोड़कर सिंपली अपने घरों से निकले, अपने ऑफिसों से निकले और जो इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप मीडिया बिल्कुल इस बात का बरमला बार बार इजहार कर रही है कि चाहे कोई भी आफात समावी हो, चाहे आग हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे जलजला हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो, हर एक सिलसिले में हमने हमेशा बर्फ़ के साथ साथ बिजली भी चलाया, पानी के साथ साथ बिजली भी चलाई और हर वक्त हमारा डेली वेजर, हमारा लाइनमैन, हमारे तमाम मुलाजमीन, हमारे इंजीनियर्स फ्रंट लाइन वैरियर की हैसियत से डिपार्टमेंट को चलाने में कलीदी रोल इख्तियार कर रहे हैं। मगर जब रेवेन्यू का मसला आता है तो उस वक्त हम परेशान होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि लोग कमा हकहू लोगों को हमारे साथ इस मामले में कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ के होटलियर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, यहाँ के कमर्शियल हब चलाने वालों को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, इवन कि यहाँ के स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को इस्तेदा करते हैं, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाज़ाब्ता तौर इस महीने के एंड तक हमारा जो बिजली फीस है उसको जल्द अज जल्द वसूल किया जाए, उसको पे किया जाए ताकि ये महकमा जो हमारा है, कॉरपोरेशन जो हमारा है, ये मुनाफा बख्श हो जाए। जब ये मुनाफा बख्श होगा तो हमारे मुलाजिम भी तरक्कियों से नवाजा दिया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट कमज़ोर पड़ गया, अगर हमारा महकमा कमज़ोर पड़ा तो हमारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स है, हमारे जो बाकी बेनिफिट्स है, तो हम उससे बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेशन एक्ट्स के तहत जब तक कॉरपोरेशन मुनाफा बख्श होगा मुलाजिमों का मुस्तकबिल संवार दिया जाएगा। कॉरपोरेशन
अल्लाह बचाए नॉट प्रॉफिटेबल बन गई तो ये तलवार डायरेक्ट यहाँ के एम्प्लॉयज पे पड़ जाती है। और दूसरी बात, ये पहली हमारी जो एजेंडा थी इस मीटिंग का, दूसरी जो PDL TDL का मसला है, क्योंकि हम सरकार को वेलकम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं LG इंतजामिया की, पावर मैनेजमेंट की, नीतीश्वर कुमार साहब का, कि जिन्होंने बर वक्त ला ओपिनियन दे दी, एक प्रोटोकॉल दिया और एक रोड मैप बना दिया डेलीवेजर्स के को लेकर। मगर इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन अरबाबी इक्तदार से इस्तदा करती है कि उनकी मुस्तकली के लिए जितनी जल्द हो सके वार फुटिंग बेसिस पे उनकी मुस्तकली के लिए अहकाम जारी होनी चाहिए। तीसरी बात वो यही है, क्योंकि आज तक हम मुबारकबाद करते हैं जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, क्योंकि रिसेंटली हमारे एजाज साहब जो इस कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर थे तो वो सबकदोश हो चुके हैं, तो उसको भी हम मुबारकबाद कहते हैं, क्योंकि इस पुराशोभ दौर में वो बहुत सी खूबी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। तो उसके बाद इंजीनियर जावेद यूसुफ साहब जो हमारे नए चीफ इंजीनियर साहब हैं, उसका माजी बहुत दरख्शां है, ब्राइट है, आज तक जिस पोस्ट पे उसने काम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खूबी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। मगर बहसियत चीफ इंजीनियर पहली बार वो KPDCL का चीफ इंजीनियर आया, आज तमाम कोरम उसको दिल के अमीक गहराइयों से वेलकम करते हैं और उम्मीद कभी रखते हैं कि इंजीनियर जावेद यूसुफ डार साहब कॉरपोरेशन KPDCL के जो भी मुलाजिम हैं, यहाँ का डेलीवेजर, यहाँ का लाइनमैन, यहाँ का क्लर्क, यहाँ का PDL, यहाँ का मीटर रीडर, यहाँ का टेक्नीशियन, यहाँ का इंजीनियर, AEE अप टू SC लेवल तक हर एक के साथ खुश असलूबी से पेश आएगा, डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को तरक्की के राहों पे गामजन करने में वो कलीदी रोल इख्तियार करेगा, और जितने भी मसाइल मुलाजमों के पड़े हुए हैं उनको जल्द अज जल्द हल करने के खाह हो तो यही उम्मीद है। सर्कल लेवल पे DPCs का इनकार होना चाहिए वार फुटिंग बेसिस पे, क्योंकि पिछले 2 सालों से बहुत धीमी तरीके से DPCs में सुस्ती है, तो उसको बिल्कुल वर्कआउट करके तमाम SCs को डायरेक्शंस दे, ताकि जो जावेद साहब पे हमें उम्मीदें हैं तो उन उम्मीदों का इंशाल्लाह बरम रह जाए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमने आज मीडिया की वसातत से आप लोगों तक पहुंचाए, और लोगों से इस्तदा करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हमें कोऑपरेट किया है, यहाँ के मुलाजमों को कोऑपरेट किया है, और हमने हमेशा डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए काम किया है। मगर इस वक्त हमारे भी कुछ अर्जदाश्त हैं, वो यही है कि कम अज़ कम बिजली फीस का जो वाजबुल अदा रकम है उसको वसूल किया जाए, ताकि इस कॉरपोरेशन को मुनाफा बख्श के ज़ुमरे में लाने की कोशिश की जाए, और इंशाल्लाह जब कॉरपोरेशन मुस्तहकम हो तमाम मुलाजमीन मुस्तहकम रहेंगे। अगर कॉरपोरेशन मुस्तहकम नहीं होगी तो हमारे ऊपर भी ये तलवार लटक जाएगी। तो इसलिए मीडिया की वसातत से आप ये बातें अरबाबी इक्तदार तक पहुंचाओगे, यहाँ के लोगों तक पहुंचाएंगे, और आप लोगों का सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दे दिया हमारे साथ। और जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ज़ेर सदारत मुश्ताक अहमद नजार तमाम मुलाजमों को इस्तदा करती है कि वो जांफिशानी से अपनी काम को अंजाम दे, ईमानदारी से, और रेवन्यू रियलाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार रखे, TND लॉसेस को कम करने में अपना स्किल वहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, अपने स्किल को बरोए कार लिया जाए, यहाँ के ATMC लॉसेस को कम किया जाए। तो यही हमारी चाहत है। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.